एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि कुड बी क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुड बी, कुड हैव बीन और कुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल देखें, क्योंकि ये एक ऐसा लेसन है जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि कुड बी का क्या इस्तेमाल है। कुड बी का मतलब है हो सकता था। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह वहाँ हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कुड बी देयर, वह कॉलेज में हो सकता था। ही कुड बी इन कॉलेज। अगर आपको कहना हो यह खतरनाक हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट कुड बी डेंजरस। अगर आपको कहना हो कि यह फायदेमंद हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट कुड बी यूजफुल, यानी यह फायदेमंद हो सकता था। अगर आपको कहना हो श्याम घर पर हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे श्याम कुड बी एट होम। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुड बी का मतलब होता है हो सकता था। आइए फ्रेंड्स अब देखें कि कुड हैव क्या है। कुड हैव का मतलब होता है कोई चीज पास हो सकता था। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुम्हारे पास एक मौका हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे You could have a chance। तुम्हारे पास एक नौकरी हो सकता था। You could have a job। उसके पास एक बंदूक हो सकता था। He could have a gun। उसके पास कामयाबी हो सकता था। He could have success। उसके पास दौलत हो सकता था। He could have wealth। उसके पास एक कार हो सकता था। He could have a car। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने दो कंसेप्ट समझा कि could be का मतलब है हो सकता था, जबकि could have का मतलब है पास हो सकता था। यानी could have में हम कुछ रखने की बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब सीखें कि could have प्लस थर्ड फॉर्म का क्या इस्तेमाल है। could have के साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान गुजरे हुए टाइम में कोई काम कर सकता था, यानी उस काम को करने के लिए उसके पास एबिलिटी थी लेकिन वो काम नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह एक डॉक्टर बन सकता था, यानी बातों से पता चला कि वह गुजरे हुए टाइम में एक डॉक्टर बन सकता था, उसके अंदर ये काबिलियत थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो डॉक्टर नहीं बना। हम लोग मैच जीत सकते थे, यानी हम लोगों के अंदर मैच जीतने की एबिलिटी थी लेकिन ये हुआ नहीं, यानी हम लोग मैच नहीं जीते। मैं उस शेर को मार सकता था, यानी मारने की ताकत तो थी बट ऐसा हुआ नहीं, यानी मैंने उस शेर को नहीं मारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि गुजरे हुए टाइम में कोई आदमी किसी काम को कर सकता था, उसके अंदर एबिलिटी थी, ताकत थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जैसे मैं पैसा बचा सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुड हैव सेव्ड मनी, यानी मैं पैसा बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं, यानी ये काम नहीं हुआ। मैं उस शेर को मार सकता था, आई कुड हैव किल्ड दैट लायन। यहाँ इस सेंटेंस का सेंस है कि कर तो सकता था बट ऐसा किया नहीं, यानी ये काम नहीं हुआ। मैं एक कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कुड हैव टॉट इंग्लिश इन अ कॉलेज। यहाँ इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं ऐसा कर तो सकता था लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, यानी काम नहीं हुआ। हम लोग मैच जीत सकते थे, वी कुड हैव वन द मैच। यानी इस सेंटेंस का सेंस है कि हम लोग ये काम कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने ये काम नहीं किया, या ये काम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमको तब करना है जब हमें कहना हो कि गुजरे हुए टाइम में कोई आदमी किसी काम को कर तो सकता था लेकिन उसने नहीं किया, या वो काम नहीं हुआ। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप सोच रहे हो कि कुड हैव बीन का क्या इस्तेमाल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा कि कुड बी और कुड हैव बीन दोनों का इस्तेमाल सिमिलर है, यानी जहां आप कुड बी का इस्तेमाल करते हैं वहीं आप कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह कॉलेज में हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कुड बी इन कॉलेज। यहां आप ये भी कह सकते हैं ही कुड हैव बीन इन कॉलेज, यानी वो कॉलेज में हो सकता था। वह मुश्किल में हो सकता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही कुड बी इन प्रॉब्लम। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं ही कुड हैव बीन इन प्रॉब्लम, यानी वह मुश्किल में हो सकता था। तो फ्रेंड्स, जहां पर आप कुड बी का इस्तेमाल करते हैं वहीं पर आप कुड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपने यहां सीखा कुड बी क्या है, कुड हैव क्या है, और कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, और कुड हैव बीन क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।